नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुजी कहकशा सक्सेना टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। साथ में मैं हीलिंग्स भी देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी एस्ट्रो ऐप यूट्यूब चैनल में। और मैं चाहूंगी कि इस ब्यूटीफुल फैमिली से कनेक्ट होने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं रीडिंग कर रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, अगस्त मंथ के रिलेशनशिप निकालूंगी, जिसमें मैंने टैरो कार्ड्स को तीन पार्ट्स में बांट लिया है। और तीनों पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि मैंने क्रिस्टल्स रखे हैं डिफरेंट कलर्स के। यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाइट क्रिस्टल, ग्रीन क्रिस्टल और ब्लू क्रिस्टल। आपको इन तीनों में से किसी एक पार्ट्स ऑफ टैरो से कनेक्ट होना है, ठीक है? और मैं प्रेडिक्शन दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं इनको एनर्जाइज कर दूं। जब तक मैं इनको एनर्जाइज करूंगी, आप किसी एक से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट कर रही हूं मैसेजेस देने के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी व्हाइट क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, देखते हैं इनके लिए क्या कह रही है हमारे टैरो कार्ड्स। अगस्त मंथ का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपका लव लाइफ का हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ का हो सकता है। यहाँ पर हमारे कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप चल रहा है। साथ में ये जो रिलेशनशिप है अगस्त में बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट होगी इसमें। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका फ्यूचर है, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप हमें बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाते दिख रहा है, बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग लाते दिख रहा है। तो अगस्त मंथ जिन्होंने व्हाइट क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी। वाओ, ये कहते हैं न्यू बिगिनिंग्स। तो इतना अच्छा रिलेशनशिप है और साथ में एक नई बॉन्डिंग और शुरू होने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है व्हाइट क्रिस्टल वालों के लिए। देखते हैं ग्रीन क्रिस्टल वालों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे टैरो कार्ड्स। अगस्त मंथ का हम निकाल रहे हैं और एंजल्स ने दो कार्ड इकट्ठा निकलवाए हैं। तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो उनमें है जो कि दो कार्ड्स इकट्ठे निकले हैं। एंजल्स क्या मैसेज देने वाले हैं, हमारे टैरो क्या मैसेज देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बहुत ईगो इश्यूज चल रहे हैं और इतने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं कि हो सकता है अगस्त में कोई ये डिसाइड करे कि मैं अलग सेपरेशन हो जाऊं। लेकिन उसके सेपरेट जरूर होंगे, लेकिन फिर सोचेंगे कि ये कोई मैंने गलत स्टेप तो नहीं लिया। तो देखते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलेगा। ओके, इस रिलेशनशिप में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, किसी थर्ड पर्सन का भी हमें दिख रहा है। तो आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है कि अगस्त मंथ में किसी थर्ड पर्सन से आप इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ये बहुत नेगेटिव कार्ड है और कोई गलत स्टेप ना लें, ठीक है? और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट बता रहे हैं। तो कुछ गलत स्टेप लेने से पहले एक बार ट्रस्ट कर लीजिए कि आप ये गलत तो नहीं कर रहे, आप इन पे विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये एक बार ठीक से रिकॉल करना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप। और देखते हैं जिन्होंने ब्लू क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। अगस्त मंथ में क्या होगा, देखते हैं इनके रिलेशनशिप का। तो ब्लू वालों के लिए भी ये आ रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगस्त मंथ में कुछ ना कुछ ऐसे मेस्ड अप होने वाला है, लड़ाइयां होने वाली हैं और आप दुखी भी होने वाले हैं। तो ये सिचुएशन ना आए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगस्त में आप
कुछ गलती ना करें, कुछ गलत बोल ना दें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या दे रहे हैं। हार्मनी, तो बिल्कुल सही बोला एंजल्स ने कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो आप हार्मनी बना के रखिए, प्यार मोहब्बत बना के रखिए, अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिए। और आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच।